दोस्तों सोचिए, आप किसी बीच पर बैठकर वहां का मजा ले रहे हैं और तभी अचानक से वहां शार्क आ जाए या फिर पानी की ऐसी तेज लहर आ जाए जो कि पूरी तरह से आपको झकझोर कर रख दे। जी हां, दुनिया में कुछ ऐसे भी बीचेस मौजूद हैं जहां जाना मतलब अपनी मौत को निमंत्रण देना है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही दुनिया के 10 सबसे खतरनाक बीचेस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। पनामा सिटी बीच, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में पनामा सिटी बीच को चौथे सबसे खतरनाक अमेरिकी बीच के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर पाई जाने वाली हैमरहेड शार्क पहले से कोई भी चेतावनी नहीं देती और अगर इसने किसी पर हमला कर दिया तो उसका बच पाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों शार्क के अलावा यहाँ पर जेलीफिश भी पाई जाती हैं, जिसके डंक से लोगों को हार्ट अटैक आने का डर बना रहता है। अभी हाल ही में 2021 में यहाँ पर लगभग 47 शार्क हमलों को रिकॉर्ड किया गया था। आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो सुबह या शाम तैरने से बचें और तैरने से पहले अपनी चमकदार चीजों को उतार दें, क्योंकि ये शार्क अपने शिकार की पहचान लाइट के रिफ्लेक्शन से ही करती हैं, जिससे आप फंस सकते हैं। बिकिनी एटॉल। ये पैसिफिक ओशियन के बीच में बना हुआ एक स्मॉल रिंग शेप्ड रीफ आइलैंड है जो कि 594 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। 1946 से 1958 के बीच US गवर्नमेंट ने बिकिनी एटॉल को एक प्रोविंग ग्राउंड यानी कि परीक्षण स्थल में कन्वर्ट करने का आदेश दिया था, जिसके कारण यहां पर 20 से भी ज्यादा न्यूक्लियर डिवाइसेस का टेस्ट किया गया और इनकी हाई लेवल टेस्टिंग के कारण यहां पर CGM-137 और अदर रेडियोएक्टिव एटॉम्स की रेज चारों ओर फैलने लगी जो कि अभी भी जारी है। इन रेज के कारण यहां की पूरी मरीन लाइफ बर्बाद हो गई। साथ ही इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होने लगी, जिसका खतरा अभी भी बना हुआ है। प्लाया जिपोलाइट, मेक्सिको। मेक्सिको में स्थित जिपोलाइट बीच दुनिया के सबसे खतरनाक बीचेस में से एक है, इसलिए इसे कोस्ट ऑफ द डेड भी कहा जाता है। जब पहली बार आप यहां जाएंगे तो इस ब्यूटीफुल से बीच को देखकर आपका स्विमिंग करने का मन करेगा, लेकिन यहीं आप गलती कर जाएंगे क्योंकि यहां की लहरों की तेज धार या रिपटाइड्स आपकी स्विमिंग को जान के खतरे में बदल सकती हैं। यहां पानी में कुछ जगहें ऐसी हैं कि जहां आप गए तो लहरों के प्रवाह के कारण वहां से वापस लौटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप यहां बिना किसी खतरे के स्विमिंग करना चाहते हैं तो समुद्र के उथले हुए भागों पर आप आराम से इसका मजा ले सकते हैं। द स्केलेटन कोस्ट, अफ्रीका। दोस्तों अधिकांश बीचेस और समुद्री तट के किनारे हमेशा से ही साफ, ब्यूटीफुल और रोमांचक होते हैं, लेकिन द स्केलेटन कोस्ट इस मामले में बिल्कुल ही अलग है। यहाँ के किनारों पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा सिवाय जानवरों की हड्डियों और जहाजों के मलबों के। यहाँ पाए जाने वाले इन्हीं अवशेषों के कारण आपको यहाँ तेंदुआ, चीता, बिल्ली, जिराफ, हंस, सील आदि कई तरह के जानवर भी देखने को मिलते रहते हैं। इन सब के बीच आपका यहाँ रहना मुश्किल हो सकता है और फिर यहाँ समुद्र की खतरनाक लहरें आपकी सर्फिंग पर भी पानी फेर देती हैं। प्राया डे बोआ वाइजेम, ब्राजील। दोस्तों ये अटलांटिक ओशन का एक प्रमुख बंदरगाह है जिसका नाम कोरल रीफ से लिया गया है। 1992 तक तो यहाँ आपको बहुत से स्विमर्स और सर्फिंग करने वाले मिल जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि इस बीच पर 1992 के बाद शार्क के हमले ज्यादा होने लगे, जिससे बहुत से लोगों की मौत तक हो चुकी है। रिसर्चर्स की माने तो यहाँ के गर्म और उथले पानी के कारण इसमें बुल शार्क बहुत ही अधिक संख्या में रहती है। इसके अलावा ग्रेट व्हाइट शार्क और टाइगर शार्क के होने के भी प्रमाण मिले हैं। आपको बता दें कि ये तीनों ही शार्क ह्यूमंस पर हमला करती हैं, जिससे इस बीच पर इंसानों के लिए ज्यादा खतरा बना हुआ है। अगर आपने लहरों के पास जाने या उसमें स्विमिंग करने के बारे में सोचा भी तो ऐसा करके आप अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। नानवन बीच, ताइवान। यूं तो यह घूमने के लिए सबसे अच्छे बीचेस में से एक है, जहां पर आपको सभी तरह के होटल एंड रेस्टोरेंट, पैरासेलिंग राइड, सर्फिंग, जेट स्की, वाटरक्राफ्ट आदि विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं, जिन्हें देखकर आपका मन यहां जाने के लिए जरूर करेगा। लेकिन यहां जाकर इतना ध्यान रखें कि आप इस समंदर में सर्फिंग या स्विमिंग ना करें, क्योंकि आमतौर पर तो इसकी लहरें शांत रहती हैं, लेकिन कभी कभी ये अचानक से अपना रुख बदल लेती हैं, जो कि इतनी खतरनाक होती हैं कि उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और फिर सीधा आपको अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। हालांकि अगर आप दूर से किनारे पर बैठकर ही बीच का मजा लेना चाहते हैं तो फिर ये आपके लिए सबसे कंफर्टेबल बीच है।
फ्रेजर आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल केगारी या कहें फ्रेजर आइलैंड हर तरफ से खूबसूरत नेचुरल व्यूज से भरा हुआ है। साथ ही यहां पर पाए जाने वाले डिंगो डॉग्स का ये घर माना जाता है। ये न केवल शार्क के हमलों के लिए जाना जाता है बल्कि डिंगो के हमलों के लिए भी जाना जाता है। ये जानवर यहाँ पर इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको जेलीफिश, ब्लू बॉटल और अन्य कई खतरनाक जीव भी देखने को मिल जाते हैं। इसलिए इस बीच पर ये संभावना हमेशा बनी रहती है कि कोई भी जीव आपको काट सकता है या परेशान कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित इस द्वीप पर आपको बहुत सी जगमगाती हुई झीलें, चारों ओर हरे भरे पेड़, साथ ही यहाँ के ऊबड़ खाबड़ रास्ते आपको एक अलग ही एहसास दिलाते हैं। ओकिमा बीच, जापान। दोस्तों, जापान में स्थित यह बीच पहले अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही लोकप्रिय हुआ करता था। साथ ही यह सर्फिंग के लिए भी फेमस माना जाता था। लेकिन 11 मार्च 2011 को यहाँ कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है कि विजिटर्स की भीड़ से भरा रहने वाला ये बीच उसके बाद से सुनसान पड़ा रहने लगा है। यहाँ पर 9.0 की इंटेंसिटी का एक बहुत ही भयानक भूकंप आया था, जिससे इसकी सुनामी लहरों के कारण पास में स्थित एक न्यूक्लियर रिएक्टर में भी पानी भर गया, जिसके कारण वहाँ से रेडियो एक्टिव रेज निकलने लगी और वो चारों ओर फैल गई। ऐसा माना जाता है कि वो एरिया पानी में डूब गया था और अभी भी उसमें से हार्मफुल रेज निकलती रहती है। न्यू स्मरना बीच, फ्लोरिडा। इस बीच पर सबसे बड़ा खतरा यहाँ के समुद्र में पाई जाने वाली बहुत अधिक शार्क से है। इसलिए अगर आप इन शार्क्स के अटैक से बचना चाहते हैं तो यहाँ से दूर ही रहें। इसे ब्लैक टिप स्पाइनर और टाइगर शार्क्स जैसे खतरनाक स्पीसीज का घर भी माना जाता है। हालांकि अभी यहाँ शार्क्स के बहुत ज्यादा अटैक नहीं देखे गए हैं, पर 1956 में लोगों को यहाँ शार्क्स के बारे में पता न होने के कारण उन पर रिकॉर्ड 240 शार्क अटैक दर्ज किए गए थे। आपको बता दें कि इस बीच के इतने डेंजरस होने के बावजूद भी यह सर्फिंग और विजिटिंग के लिए पॉपुलर बीचेस में से एक है। गन्सबाई, साउथ अफ्रीका। गन्सबाई दक्षिण अफ्रीका के सुंदर समुद्र तट में से एक है, जिसमें गन्स का अर्थ है हंस और बाई का अर्थ है बे, अर्थात इसका नाम बीच के पास मीठे पानी के फव्वारों में रहने वाले हंसों के नाम पर रखा गया था। वैसे तो यह बीच बहुत ही सुंदर है, लेकिन यहाँ पर आपको अगर खतरा रहता है तो वो है द ग्रेट व्हाइट शार्क और ब्रोंज वेलर शार्क का। इसी व्हाइट शार्क के कारण इस बीच को ग्रेट व्हाइट शार्क कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। वैसे ये शार्क कम ही निकलती है, लेकिन इनका व्हाइट कलर लोगों को भ्रमित कर देता है और वो इनका शिकार बन जाते हैं। साथ ही गन्सबाई की पॉपुलरिटी 8 किलोमीटर दूर स्थित गीजर रॉक पर फुर सील के प्रजनन के कारण भी है। यहाँ एक ओर गीजर रॉक और दूसरी ओर डायर द्वीप है। इन दोनों द्वीपों के बीच के रास्ते को ही शार्क गली कहा जाता है, जहाँ ये स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। आप गन्सबाई को एक एनिमल हॉटस्पॉट के रूप में भी विजिट करने के लिए आ सकते हैं। दोस्तों, इनमें से कौन सा बीच आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा हमें कॉमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।